Hey, good morning, guys. How are you? So now let's start. So very important topic, time and work. और बहुत ही प्यार से पढ़ेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है यार. So we guys have to prepare for like CoCube हो गया आपका, MCAT, and even for the placement rights also. तो चलो start करते. तो ठीक है, time and work के लिए एक सबसे important जो concept है, that concept is called as your efficiency. ठीक है, तो ये efficiency होती क्या है basically? एफिशिएंसी क्या होती है? मान लो अगर मैं तुम्हें बोलता हूँ यार तुम्हें एक दिन में 10 एप्टीट्यूड के क्वेश्चन सॉल्व करने, तो सॉल्विंग दोस 10 एप्टीट्यूड क्वेश्चन इन अ डे इज योर एफिशिएंसी. ठीक है, यानी एफिशिएंसी तुम्हारा होता है वन डे वर्क. ठीक है, वन डे वर्क इज योर एफिशिएंसी, और यू कैन से इट्स अ वन आवर वर्क. यार कोई भी काम तुम्हारा इन वन यूनिट ऑफ टाइम इज योर एफिशिएंसी. ठीक है, अगर मैं तुम्हें ये बोलूँ यार तुम इसी एफिशिएंसी के साथ 10 दिन तक काम कर, और अगर तुम्हारी एफिशिएंसी 10 है, यानी एक दिन में तुम 10 यूनिट बनाते हो, और अगर 10 दिन तक काम करोगे तो इट मींस तुम कितने यूनिट बना लोगे? 100 यूनिट. तो ये हो जाएगा तुम्हारा टोटल वर्क. तो यहाँ से एक सिंपल सा कंसेप्ट निकल के आता है दैट योर टोटल वर्क इज इक्वल टू टोटल एफिशिएंसी इनटू योर टोटल टाइम. ठीक है, तो एफिशिएंसी कितनी है आपकी? एफिशिएंसी है एक दिन का काम, नहीं तुमने 10 यूनिट बनाई, कितने दिन तक काम किया, टोटल टाइम कितना है आपका, कितने दिन तक काम करना है, 10 दिन तक काम करना है. तो 10 × 10 कितना हो गया? 100. यानी टोटल वर्क कितना हो गया? 100 हो गया. तो कीपिंग दिस बेसिक कंसेप्ट इन माइंड, वी गोना सॉल्व ऑल द क्वेश्चन बेस्ड ऑन टाइम एंड वर्क. ठीक है, एक पर्टिकुलर सेक्शन से रिलेटेड. तो फॉर एग्जाम्पल ही इज सेइंग दैट ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 days. तो ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 days. We can do the same work in 20 days. We can do the same work in 20 days. अब देखो calculation easy करने के लिए मैं कुछ ऐसा work assume करता हूँ अपने मन से जो 10 से भी divisible हो 20. तो best तरीका you take the least common multiplier. That is your LCM. तो 10-20 का LCM अब ऐसे मत करना कि यार 10 लिख दिया यहाँ पे 20 लिख दिया. 10 ones are 10. 10 twos are 20. 2, 1, 1, तो मेरा LCM कितना आ गया? 20. नहीं, we do not have to follow this approach. This is wrong. LCM basically हम कैसे लेंगे? तो सबसे बड़ा नंबर है यार, मान लो सबसे बड़ा नंबर है 20. उस 20 की टेबल बोलना स्टार्ट करो, 20 ones are 20. तो जो नंबर 10 की टेबल में भी आए, 20 की टेबल में भी आए, that is your LCM. तो मेरा LCM कितना हो गया? 20. तो इस लाइन का मतलब क्या हो गया? सपोज मैं लिखता हूँ 20 यूनिट. तो इस लाइन का मतलब ये है कि जो ए है वो ये 20 यूनिट ऑफ वर्क 10 डेज में करता है. तो एक दिन में कितना करेगा? एक दिन में करेगा 20/10, which is your 2 unit. Similarly, B जो है, ये 20 unit work 20 days में करता है. ठीक है? तो एक दिन में कितना करेगा? 20/20, यानी कि 1 यूनिट. तो the efficiency of A मेरा कितना आ गया? 1 आ गया. Efficiency of A is your 2 and efficiency of B is 1. ठीक है? Now he is asking that in how many days will both take to do it. यानी दोनों मिलके जब काम करेंगे तो कितने दिन में बेसिकली काम को खत्म कर देंगे. तो ए एंड बी की कंबाइन एफिशिएंसी कितनी होगी? ए प्लस बी की कंबाइन एफिशिएंसी होगी 3. तो इस एफिशिएंसी के साथ यानी मेरा ये हो गया 3 है, और टोटल वर्क मेरे को पता है कितना 20 है. तो टोटल टाइम कितना आ जाएगा? टोटल टाइम आ जाएगा 20/3. अब इसको याद नहीं करना यार, ये मन में फीड होना चाहिए कि आपको टोटल वर्क निकालना है, टाइम निकालना है, मेरे को करना क्या पड़ेगा. तो बोल रहा है इन हाउ मेनी डेज विल बोथ टेक टू कंप्लीट द वर्क. कॉमन सेंस है 20 यूनिट मेरे को कंप्लीट करनी है, और एक दिन में अगर मैं 3 यूनिट खत्म करता हूँ तो मेरे को कितना टाइम लगेगा? 3 6 18, रिमाइंडर इज 2. तो आंसर इज 6 2/3 डेज. राइट, सो नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ही सेइंग दैट ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 4 days. प्रीटी गुड. ए एंड बी, ठीक है, ए एंड बी दोनों मिलके is finishing a certain piece of work in 4 days, and A alone is doing it in 12 days. So when you take the LCM, 4 12 ka LCM is your 12. So A plus B ki efficiency kitni aa gayi? 3 aa gayi. Aur A ki efficiency kitni aa gayi? 1. Ye 3 kyun aayi? A plus B 12 unit ka kaam 4 din mein karta hai, to ek din mein kitna karega? 12/4, yani 3. To A plus B ki efficiency kitni hogi? 3. सिमिलरली 12/12 कितना होता है? 1 होता है. तो आपकी ए की एफिशिएंसी कितनी आ गई? 1. तो व्हेन यू पुट एफिशिएंसी ऑफ ए हियर,
देन दी एफिशिएंसी ऑफ बी इज 2, तो बी की एफिशिएंसी कितनी हो गई, 2 हो गई। अब बी इस एफिशिएंसी के साथ अकेला काम को कितने दिन में खत्म कर देगा, टोटल वर्क मेरा कितना है 12 है और बी की एफिशिएंसी कितनी है 2 है, तो 12/2 कितना आ गया एज योर 6 डेज, दैट्स योर आंसर राइट। मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 सेज दैट ए एंड बी कंप्लीट्स 80% ऑफ वर्क इन 20 डेज, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। Then B also joins, they finish the remaining work in 3 days. In how many days B alone can complete the work? देखो यार 80%, 80% को कैसे लिखते हो? 80% is what? 80% is your 80/100. So you can say it is your 4/5. यानी 5 का जो 80% है वो क्या है? 4 है, ठीक है? 80% of 5 is 4. So he's saying that A completes 80% of a work in 20 days. So मैं मेरी calculation easy करने के लिए मैं ये मान लेता हूँ कि जो total work है, total work being 5 units, 5 units ही मेरा total work है। तो A जो है इस 5 का 80% यानी 4 units, 5 का 80% कितना है 4 units, ये 4 units खत्म करता है कितने दिन में, 20 days में finish कर रहा है A 4 units। तो A जो है 1 day में कितना खत्म करेगा, 1 day में वो करेगा 4/20 which is 1/5, यानी A की efficiency जो है, मेरे पास A की efficiency आ गई 1/5, एक काम पूरा हो, ठीक है। फिर वो आगे कह रहे हैं कि then B join, A ने जब अपना 80% काम खत्म कर दिया उसके बाद B picture में आया and B finishes the remaining work in A and B finishes the remaining work इन 3 days। कहने का मतलब ये है ए एंड बी ने जब मिलके साथ में काम किया तो जो रिमेनिंग वर्क है, रिमेनिंग वर्क कितना है यार, देखो 4 units तो ए ने कंप्लीट ही कर ली, रिमेनिंग वर्क तो बस अब 1 unit बचा, बिकॉज मैंने टोटल वर्क 5 units माना था, 1 unit को फिनिश करने में 1/ कितने डेज लगा रहे हैं, 1 unit को फिनिश करने में 3 days लगा रहे हैं, ठीक है, ए प्लस बी 1 unit को फिनिश करने में 3 days लगा रहे हैं, तो 1 day में वो कितने यूनिट फिनिश कर देंगे, 1 day में वो फिनिश कर देंगे 1/3, तो यानी A प्लस B की जो एफिशिएंसी है वो कितनी हो गई 1/3। अब वी हैव टू फाइंड आउट द एफिशिएंसी ऑफ B, अब A की एफिशिएंसी 1/5 है, A प्लस B की 1/3 है, तो B की कितनी हो जाएगी, B की हो जाएगी 1/3 - 1/5, यानी B की एफिशिएंसी हो गई 2/15। नाउ इन हाउ मेनी डेज B अलोन कैन कंप्लीट द वर्क, अब टोटल वर्क मैंने क्या माना है, टोटल वर्क तो मैंने माना है 5 और आपकी इस B की एफिशिएंसी कितनी है 2/15, इस 15 को ऊपर भेज दो, ये कितना हो गया 75/2 विच इज 37, 1/2 days इज द आंसर, आई होप क्लियर है राइट। सो नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, ही सेइंग दैट A कैन डू अ जॉब इन 16 days, ठीक है, A जो है आपका 16 दिन में किसी काम को पूरा कर, एंड बी इज डूइंग द सेम जॉब इन 12 days, बी कर रहा है 12 दिन में, एंड विद द हेल्प ऑफ सी यानी ए प्लस बी प्लस सी दे आर डूइंग द जॉब इन 4 days, यानी इनके अगर मैं एलसीएम लू 16 3 48, यानी ए की एफिशिएंसी कितनी हो गई 3 हो गई, मेरे बी की एफिशिएंसी कितनी आ गई 4 आ गई, और A प्लस B प्लस C की एफिशिएंसी कितनी आ गई 12 आ गई, ठीक है, कॉमन सेंस है, 16 3 48, यानी A एक दिन में 3 unit बनाएगा, B एक दिन में 4 unit बनाएगा, और A प्लस B प्लस C मिलके एक दिन में 12 unit बनाएंगे, यानी 48/16 करूंगा तो 3 आ जाएगा, 48/12 करूंगा तो 4 आ जाएगा, 48/4 करूंगा तो कितना आ जाएगा 12, ये इनके रेस्पेक्टिव एफिशिएंसी आ गई, ठीक है। Now he's asking, C alone can do the job in how many days? A plus B की combined efficiency कितनी हो चुकी है? 7 हो चुकी है। तो A plus B अगर मैं 7 यहाँ पे put करता हूँ, तो मेरी C की efficiency कितनी आ गई? 5 आ गई। तो मेरी C की efficiency कितनी हो गई? 5। Now he is asking that C alone can do the job in how many days? Total work is 48. Efficiency of C is 5. So 5, 9's are 45. Remainder is 3. So it is 9 3/5 days
is the answer. Clear, guys? Now, moving on to the next question, question number 5. He's saying that A and B can do a work in 12 days, right? So, he's saying that A and B is doing it in 12 days. B plus C is doing it in 15 days. And C plus A is doing it in 20 days. If A, B, C work together, they will complete the work in how many days? Okay. Now let's take the LCM. We'll take the LCM. LCM is 60. So, yani ki A plus B ki jo efficiency hai, wo kitni hogi? 60 by 12. Yani ek din mein milke 5 minute kaam karte hai, 5. B plus C ki efficiency ho gayi meri 4. And C plus A ki efficiency kitni ho gayi? 3. So, when I add all 3, so twice A plus B plus C ki kitni ho gayi? 12. तो यहां से मेरी a plus b plus c की एफिशिएंसी निकल गई. a plus b plus c की इतनी एफिशिएंसी हो गई 6. यानी दोनों तीनों मिलके अगर सब साथ में काम करते हैं तो एक दिन में वो 6 यूनिट बनाते हैं. अब नाउ ही इज आस्किंग अगर तीनों साथ में काम करेंगे तो जो टोटल वर्क कितना है 60 और एफिशिएंसी है कितनी 6. कितने दिन में खत्म कर देंगे 10 डेज में. सो दैट्स योर आंसर. ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन. To complete a work, A and B takes 8 days. ठीक है, A plus B takes 8 days. And B plus C takes 12 days. And A plus B plus C takes 6 days. And how much time A and C will take to complete the work? So LCM आ गया 12, 1s are 2s are 24. ठीक है, 24 आपका LCM आ गया. तो a प्लस b की जो एफिशिएंसी है a प्लस b की एफिशिएंसी कितनी होगी 3. b प्लस c की एफिशिएंसी कितनी होगी b प्लस c की एफिशिएंसी होगी 2. एंड a प्लस b प्लस c की एफिशिएंसी कितनी होगी 4 होगी. नाउ ही इज आस्किंग इन हाउ मच टाइम a एंड c विल टेक. इट मींस वी हैव टू फाइंड आउट द एफिशिएंसी ऑफ a प्लस c. एक काम करो a प्लस b अगर मैं यहां पे पुट करता हूं 3 तो मेरे पास c की एफिशिएंसी कितनी आ गई 1 आ गई. अगर C की एफिशिएंसी 1 आ गई अगर मैं यहां पे पुट करता हूं तो मेरी यहां से मैं B की एफिशिएंसी भी फाइंड आउट कर ली. B की एफिशिएंसी कितनी हो गई 1. अगर B मैं 1 यहां पे पुट करता हूं तो मेरी A की एफिशिएंसी हो गई 2. तो जब A की एफिशिएंसी 2 है C की एफिशिएंसी 1 है A plus C की एफिशिएंसी कितनी हो गई 2 plus 1 यानी कि 3. अब ही इज आस्किंग हाउ मच टाइम A एंड C विल टेक. टोटल वर्क इज 24, एफिशिएंसी इज 3. 24 by 3 is 8 days is your answer. ठीक है. Moving on to the next question, question number 7. It's asking A and B can do a work. A and B can do a work in 18 and 24 days respectively. They work together for 8 days. They work together for 8 days and then A left. The remaining work was finished by B. In how many days? The remaining work was finished by B in how many days? ठीक है यार इस टाइप के क्वेश्चन थोड़े इंपॉर्टेंट है, मोस्ट कॉमन ड्यूरिंग द प्लेसमेंट. ठीक है सो ए प्लस बी कैन डू अ वर्क इन 18 एंड 24 डेज रेस्पेक्टिवली. ए इज फिनिशिंग इट इन 18 डेज एंड बी इज डूइंग इट इन 24 डेज, राइट? तो अगर मैं एलसीएम लूं, एलसीएम कितना आ गया 72. इट मींस द एफिशिएंसी ऑफ ए इज 4 एंड द एफिशिएंसी ऑफ बी इज 3. नाउ ही सेइंग दैट दे वर्क टुगेदर फॉर 8 डेज, यानी इन दोनों ने मिलके कंबाइन एफिशिएंसी कितनी होगी 7. 8 डेज तक काम किया. तो अगर 8 डेज तक काम किया 8 × 7 यानी 56 यूनिट्स इन्होंने बना दी. ठीक है अब बची कितनी 72 माइनस 56 करूंगा तो रिमेनिंग यूनिट जो बची वो बची मेरी सिर्फ और सिर्फ 16. ठीक है इस 16 यूनिट को कौन खत्म करेगा? देखो दे वर्क टुगेदर फॉर 8 डे, 8 दिन तक साथ में काम किया, फिर ए चला गया. अब तो बी अकेला ही रह गया. तो यानी 16 यूनिट का जो काम है उसको काम को बी को अकेले ही करना है और बी की अकेले की एफिशिएंसी कितनी है 3. एंड इज कंसर्न अबाउट फाइंडिंग द रिमेनिंग वर्क एंड 16 यूनिट इज द रिमेनिंग वर्क. तो 3 5s are 15, remainder is 1, यानी 16, 3 by 3 days, 16 by 3, यानी 5, 1 by 3 days में remaining work पूरा हो जाएगा. अगर he, if he is concerned about asking about total work या complete work पूछता,
तो 5/1/3 में रिमेनिंग वर्क कंप्लीट हो रहा है एंड दिस इज योर 8 डेज, ठीक है, यहाँ से 8 डेज ये है, तो आंसर आता उसके इसमें टोटल वर्क अगर वो पूछता तो आंसर आता 13 1/3 डेज, बट ही इज मोर कंसर्न अबाउट आस्किंग ओनली अबाउट योर रिमेनिंग डेज, ठीक है, तो रिमेनिंग डेज इज 5 1/3, राइट. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ए कैन डू अ सर्टेन जॉब इन 25 डेज व्हिच बी अलोन कैन डू इट इन 20 डेज, यानी ए कैन डू अ सर्टेन जॉब इन 25 डेज. A is doing it in 25 days and B is doing it in 20 days. तो अगर मैं LCM लूँ 2500, ठीक है, यानी A की efficiency हो गई 4 और B की efficiency आ गई 5. A की efficiency हो गई 4 और मेरे B की efficiency कितनी आ गई 5. Now he is saying that A started the work, यानी A ने काम start किया. ध्यान से देखना यार, line को समझना बहुत जरूरी है. A started the work and was joined by B after 10 days. Yani A started the work and was joined by B after 10 days. Yani is A ne akele 10 din tak kaam kiya hai. Aur akele 10 din tak agar usne kaam kiya, to usne 40 unit bana li. Theek hai? Because B to jo hai 10 din baad picture mein hai. Jab 40 unit bana li, ab kitni unit bachi? 100 mein se 40 gaya. 60 units meri baaki. Theek hai? Abhi 60 unit kaun finish karega yaar? Because dekho, A started the work, अब B भी आपके पिक्चर में आ गया, यानी अब ये 60 यूनिट जो है, A और B की कंबाइन एफिशिएंसी कितनी होगी, 4 + 5 = 9, ठीक है, यानी 320 एंड 3 3 जा, यानी 3 6 = 18, 6 2/3 डेज में जो तुम्हारा रिमेनिंग है 60 यूनिट का काम A एंड B मिलके पूरा कर रहे हैं 6 2/3 डेज में. नाउ ही इज कंसर्न अबाउट द नंबर ऑफ डेज टेकन इन कंप्लीटिंग द वर्क. वो कह रहे हैं टोटल वर्क कितने दिन में फिनिश हुआ, रिमेनिंग 60 यूनिट तो खत्म हुई 6 2/3 डेज में, और जो पहले ए ने 10 दिन अकेले काम किया था वो भी तो तुम कंसिडर करोगे बिकॉज वो टोटल वर्क कर रहे हैं. तो 10 + 6 2/3 = 16 2/3, यानी 16 2/3 डेज में मेरा कंप्लीट वर्क है वो पूरा हो रहा है, ठीक है. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन सेज दैट A, B, C can complete a piece of work in 10, 12 and 15 days respectively. But A left the work before 5 days of its completion. B also left the work 2 days after A left. In how many days the work was completed? Oh yeah, good question. They're saying that yaar, A jo hai, wo complete kar raha hai work ko 10 din mein. B jo hai, complete kar raha hai 12 din mein. And C is doing it in 15 days. Now when you take the LCM 10, 12, 15, your LCM is 60. So A ki efficiency 6, B ki efficiency 5, or C ki efficiency kitni aa gayi? 4. I'm writing here. A ki efficiency ho gayi 6, B ki efficiency ho gayi 5, or C ki efficiency ho gayi 4. Theek hai itna? Chalo ab isko solve karte hain. Maan lo, main kehta hoon ki mera work start yahan pe hua. ठीक है, और ये मान लो खत्म होता है यहाँ पर, तो कह रहे हैं वर्क के खत्म होने के 5 दिन पहले, यानी समवेयर डाउन द लाइन हियर कहीं पे ए छोड़ के चला गया, योर ए लेफ्ट, ठीक है, 5 दिन पहले, तो ये मेरे कितने दिन हो गए, 5 दिन. अब वो कह रहे हैं ए के छोड़ने के 2 दिन बाद, यानी कहीं पे यहाँ पे बी भी छोड़ के चला गया, बी लेफ्ट, तो ये कितने दिन हुए, 2 दिन ए के जाने के बाद, और ये कितने दिन हुए, 3 दिन. अब यार तू मेरे को एक चीज बता, अगर ए यहाँ पे छोड़ के जा चुका है, इस टाइम पे कौन काम कर रहा है इन 2 दिनों में? इन दोनों में बहुत क्लियर है ए पिक्चर में नहीं, यानी बी और सी ने मिलके 2 दिन काम किए, ठीक है. अब इस पॉइंट के बाद बी भी छोड़ के जा चुका है, यानी सी ने अकेले कितने दिन काम किए, 3 दिन काम किए. तो मेरे को यार ये बताओ कि जब बी प्लस सी ने अकेले मिलके 2 दिन काम किया, बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी है, 9, यानी कंबाइन एफिशिएंसी बी प्लस सी की कितनी होगी, 9, तो 2 × 9 कितना हुआ, यानी इन 2 दिनों में बी एंड सी ने मिलके 18 यूनिट्स पूरे कर लिए, इन 2 दिनों में आपके 18 यूनिट्स कंप्लीट हुए. अब इस 3 दिन पे आ जाओ, 3 दिन में आपका सी अकेला काम कर रहा है, सी की एफिशिएंसी कितनी है, 4 है, तो 3 × 4 यानी 12 यूनिट्स इन 3 दिन में कंप्लीट हुए. तो टोटल मिला के इन 5 दिन में 18 यूनिट प्लस सी और 12 यूनिट,
यानी इन 5 दिन में कितने यूनिट कंप्लीट हुए, 30 यूनिट कंप्लीट हुए, प्योर लॉजिकल है, कुछ नहीं करना। अब इधर आ जाओ ए के जाने से पहले, तो ठीक है अब यहाँ पे कौन काम कर रहा है, यहाँ पे तो आपका ए भी पिक्चर में है, बी भी पिक्चर में है और सी भी पिक्चर में है, कंबाइन एफिशिएंसी कितनी है इनकी, 15 है इनकी कंबाइन एफिशिएंसी। तो इस 15 एफिशिएंसी से अब इनको कितनी यूनिट बनानी, 30 यूनिट तो बन गई, टोटल थी 60, बची कितनी 30 यूनिट टोटल बची है, तो 30 यूनिट हमें बनानी है, एफिशिएंसी है 15, तो कितने दिन में कंप्लीट कर देंगे ये, सिर्फ 2 दिन लगाएंगे 30 यूनिट को बनाने के लिए। तो ये 2 दिन यहाँ के और यहाँ के हुए 5 दिन, तो 2+5 यानी 7 डेज के अंदर मेरा स्टार्टिंग से लेके एंड तक का काम कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है गाइस, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। अब ए इज थ्राइस एज गुड अ वर्कमैन एज बी एंड टेक्स 10 डे लेस टू डू अ पीस ऑफ वर्क देन बी टेक्स। अब मान लो यार एक बहुत ही बेसिक सा कंसेप्ट है ना, सपोज अगर मैं तुम्हें कहता हूँ कि यार यू आर 3 times मोर एफिशिएंट देन एक्स, ठीक है तुम 3 गुना ज्यादा एफिशिएंट हो, तो तुम काम जो है कितने दिन पहले ही कम कर दोगे, तुम 3 दिन पहले ही काम खत्म कर दोगे। यानी कि अगर मैं कहता हूँ कि बी जो है किसी काम को 9 दिन में फिनिश कर रहा है, ठीक है, और अगर मैं कहता हूँ ए इज 3 times मोर एफिशिएंट, तो वो काम को कर देगा 9/3 यानी 3 days में ही फिनिश कर देगा, बिकॉज ए इज 3 times मोर एफिशिएंट। यानी कहने का मतलब ये है कि जो ज्यादा एफिशिएंट होता है वो टाइम उतना ही कम लेता है। इट मीन्स योर एफिशिएंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम, जो जितना ज्यादा एफिशिएंट होगा वो उतना ही कम टाइम लेगा। ठीक है अब क्वेश्चन पे आते हैं, वो कह रहा है ए इज थ्राइस एज गुड वर्कमैन एज बी, ये तो मेरी फर्स्ट कंडीशन उसने दे दी। सेकेंड वो कह रहा है एंड इट टेक 10 डे लेस टू डू अ पीस ऑफ वर्क देन बी टेक्स। सेकेंड वो कह रहा है 10 डे लेस, यानी कि ये डेज के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। ठीक है तो अगर मैं कुछ इस तरीके से इक्वेशन फॉर्म करूं कि मान लो बी जो है एक्स डेज में काम फिनिश कर रहा है, तो ए 3 times मोर एफिशिएंट है, तो एक्स विल फिनिश इन, ए विल फिनिश इन एक्स बाय 3 days, राइट। एंड इन द सेकेंड लाइन ही इज सेइंग दैट टेक्स 10 डे लेस आल्सो टू कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क देन बी टेक्स। यानी ए जो है, ठीक है, 10 दिन कम भी ले रहा है, यानी ए बी जो है एक्स डेज ले रहा है, तो ए उससे 10 दिन कम भी काम कर रहा है, तो सेम काम को ए एक्स बाय 3 में कर रहा है, सेम काम को ए एक्स माइनस 10 में कर रहा है, तो यानी एक्स माइनस 10 इज इक्वल टू एक्स बाय 3, तो यहाँ से वैल्यू आ गई 2x इज इक्वल टू 30, यानी कि मेरा आ गया x इज इक्वल टू 15। इट मीन्स बी अलोन विल फिनिश द वर्क इन 15 days। अगर तुमसे पूछा होता ए कितने में करेगा, तो ए करता 15/3 यानी कि 5 days में। आई होप क्लियर है गाइस और समझ में आ रहा है। ठीक है आज के लिए इतना ही काफी है, वी विल सी, कल हम एक नेक्स्ट सीरीज लेके आएंगे इसके लिए। तो टिल देन टेक केयर गाइस।